तब कथामृतम् तत् जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषाद्वयम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृणन्ति ते तब कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापः। हृदय में बैठे श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराते गोपियों से पूछ रहे हैं कि हमारे वियोग में जीवन धारण किस प्रकार करती हो, क्योंकि प्रेमी तो वही जो प्रेमास्पद के वियोग में रह न पाए। तो श्री लाल जी ने पूछा कि हमारे वियोग में जीवन धारण किस प्रकार किया है। तब गोपी उत्तर देती है, प्रभु ये आपके नाम की और आपकी कथा की कृपा है। तब कथामृतम, और कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि कथा क्या है, अमृत, और अमृत सुना नहीं जाता, पिया जाता है। और आपको स्मरण हो तो कल एक छोटा सा भाव मैंने आपको निवेदन किया था कि सत्संग में बैठते बैठते सुनते सुनते विचार करते करते बस हम देखने से दर्शन तक पहुंच जाएं। आज जैसे मंदिर में जाकर देखते हैं ना, ऐसे सत्संग की कृपा हो और हम देखते देखते दर्शन तक पहुंच जाएं, सुनते सुनते हमें श्रवण करना आ जाए। और सोचते तो हैं, दिन भर सोचते हैं, बात संसार की हो तो फिर सोचना है, बात प्रभु की हो तो वही चिंतन है। तो देखते देखते हम दर्शन पर पहुंच जाएं, सुनते सुनते हमें श्रवण करना आ जाए, और सोचते सोचते हम चिंतन में उतर जाएं, सोचते सोचते हम बस चिंतन में उतर जाएं। यही सत्संग का प्रसाद है, मैं कहूंगा यही सत्संग का फल है। तो कथा को पीना आ जाए, कथा रस का पान करना आ जाए। एक बार किसी ने पूछा था कि कब तक सुननी पड़ेगी कथा। कुछ लोग होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी जल्दी में होते हैं, उनको बड़ी जल्दी है, बड़ी शीघ्रता है। संगीत सीखना आरंभ करेंगे तो कहेंगे कब तक सीख जाएंगे, कितने दिन में सीख जाएंगे, गुरु से मंत्र लेंगे तो कब भगवान मिल जाएंगे। तो कुछ लोगों को बड़ी शीघ्रता होती है। एक ने पूछा, बोले कि कब तक सुननी पड़ेगी कथा। तो शांडिल्य एक भक्ति सूत्र देते हैं, वो कहते हैं बुद्धि हेतु प्रवृत्तिरा विशुद्धेर अवघातवत। बोले धान को कब तक कूटा जाता है, जब तक दाना एक और नहीं हो जाए और भूसा एक और नहीं हो जाए, तब तक उसको बार 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 पीटना पड़ता है, खल मुसल में चलाना पड़ता है। ऐसे ही जब तक जो भी अवांछित हमारे भीतर आ गया है, जब तक वो एक और ना हो जाए, जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए, राग द्वेष से मुक्त ना हो जाए, तब तक सुनिए। और मैं तो थोड़ा सरल करके कह देता हूं इसे कि जब तक सुनने का व्यसन ना हो जाए ना, तब तक सुनिए। तब तक सुनिए जब तक आपको सुनने का व्यसन ना हो जाए। क्योंकि बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र गोपी देती है, बोली केवल सुनना ही तो है। श्रवण मंगलम, सुनते सुनते ही जीवन में मंगल का आधान हो जाता है, सुनते सुनते। इसलिए पुनः पुनः आपको निवेदन किया जाता है भाई कि सुनते सुनाते रहना भगवान की कथा। भूलना नहीं कि संसार भी सुनते सुनाते ही भीतर आ गया, ये जो रच बस गया हमारे भीतर संसार, ना तो हम संसार के ना संसार हमारा। देखो कोई भी संबंध नहीं, ये दोनों विजातीय तत्व हैं।
ना तो हम संसार के, ना संसार हमारा, फिर भी कैसे रच बस गया संसार भीतर, कैसे अपनापन, कैसी आत्मीयता संसार से हो गई, कैसे हो गई, बस देखते सुनते ही हो गई। तो ऐसे ही बस सुनते सुनाते रहना। इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था भाई, सुनाने वाला मिले तो सुनने बैठ जाना, सुनने वाला मिले तो सुनाने लग जाना, पर सुनते सुनाते रहना। प्रभु की कथा, प्रभु का स्मरण, ये लीला कथा का अमृत, ये इस जीवन में प्रवाहमान रहे, ये धारा रुके नहीं। बड़ी प्यारी बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। और आप देखिए, वो जिन्होंने प्रभु को केवल पाया ही नहीं, जिन्होंने प्रभु के हृदय पर अपना अधिकार कर लिया, जिनके रोम रोम में प्रभु के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं, वो भी जीवन धारण करते हैं, तो उनके जीवन धारण करने का आधार क्या है? भगवान की कथा। श्री रघुनाथ जी जब श्री साकेत धाम को जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र आप रहेंगे और कलिकाल के अंत तक रहेंगे। कोई थोड़ा समय भी नहीं था, त्रेता में भगवान जा रहे थे, और कहा आप रहना और कलिकाल के अंत तक रहना। तो श्री हनुमान जी ने पूछा, प्रभु रह तो जाएंगे पर हमारे रहने का कोई स्थान तो बताइए, रहेंगे कहाँ? आपको स्मरण हो भोली सखी जी के भाव की जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था हम घर मकान में नहीं रहते, या संसार में, या वन में नहीं रहते, हम भाव में रहते हैं। हमको रहने के लिए कोई भाव चाहिए। ईंट पत्थर के मकान में जीव नहीं रहता भाई, हम एक भाव में रहते हैं, हम एक चिंतन में रहते हैं। अगर रहना आए तो, अगर खबर पड़ जाए ना, अगर परिचय हो जाए थोड़ा स्वयं से, तो पता चलता है भाई ना हम यहां रहते हैं ना वहां, हम तो किसी भाव में हैं, या तो संसार के भाव में हैं या फिर गुरु की कृपा से भगवत भाव में हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु रह तो जाएंगे पर रहेंगे कहाँ? कोई रहने का, जीवन धारण करने का आधार दीजिए। हम तो सदा आपकी सेवा में रहे, एक क्षण के लिए भी हमारा चित्त आपकी सेवा से टरता नहीं, तो कहां रहेंगे, क्या करेंगे? तो श्री रघुनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, बोले कथा में रहना। आप कहां रहना? बोले कथा में रहना, जहां जहां हमारी कथा हो आप वहां रहना। इसलिए हनुमान जी को कोई न्योता नहीं देना पड़ता जहां भगवान की कथा होती है, वो विराजमान होते ही हैं। और मेरा तो अपना जीवन का ऐसा अनुभव रहा है, ये जो यज्ञ सफल होते हैं ये उन्हीं की कृपा से सफल होते हैं। और करना क्या, सेवा क्या करना? तो प्रभु ने कहा कि धीरे धीरे जब समय की गति परिवर्तित होगी, जब काल का चक्र घूमेगा, तो भगवान ने कहा बड़ा विपरीत समय आएगा, माने भजन के योग्य न तो जीव रह जाएगा और न भजन के योग्य समय रह जाएगा, न काल रह जाएगा। उस समय साधु संत के तुम रखवा, साधु संतों की आप रक्षा करना, उनके भजन भाव की रक्षा करना, जो भजन करना चाहे उसके उसकी उसकी भावना की आप रक्षा करना। रहना कहां? कथा में रहना, कथा में। और ये बड़ी मूल्यवान बात है, श्रवण मंगलम। और आप भी देखो, मैं भी देखूं, हम देखें कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना आरंभ हुआ, हम कुछ से कुछ होने लगे, इस ये श्रवण का ही तो प्रसाद है। और एक और बात मैं आपसे निवेदन करूं, आपने सुना होगा कि जो सिद्ध पुरुष होते थे या होते हैं, वो कभी कभी किसी पर शक्तिपात करते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र पर शक्तिपात किया और विवेकानंद बना दिया, शक्तिपात किया। शक्तिपात का अर्थ क्या है कि आपके भीतर कुछ आमूल चूल परिवर्तन ले आया जाए, माने जो आप नहीं हैं आप वो हो जाएं, जैसे आप नहीं हो सकते अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, आपको कोई वैसा कर दे अपने बल से। तो ऐसी अनेक अनेक कथाएं हैं, संतों के मुख से भी हमने सुना है कि कभी कभी कोई सिद्ध पुरुष, कोई समर्थ पुरुष शक्तिपात कर देता है और भीतर से आमूल चूल एक परिवर्तन आ जाता है, माने आपके मूल स्वभाव में ही परिवर्तन आ जाता है। आप जैसे थे अब आप वैसे नहीं है। यही तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाने, मैं हो गई होर दी होर, सतगुरु मेरे आ कीता है कमाल जी, सतगुरु मेरे आ कीता है कमाल जी। तो कोई शक्ति
की बात कर देता है। मुझे ऐसा लगता है भाई, ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग जो है ये वही शक्तिपात है। इन शब्दों में वही भगवदीय ऊर्जा तो है, वही भगवदीय शक्ति तो है। मैं जो भी आपसे कह रहा हूं, ये सब संतों का कहा हुआ ही तो आपसे कह रहा हूं। इसमें मेरा तो कोई शब्द भाव विचार कुछ भी नहीं है भाई, ये जो है सब संतों का कहा हुआ है, ये संतों के मुख से निसृत है, वही आप और मैं कह सुन रहे हैं। और मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता था आपको, आपको स्मरण हो, अभी आपसे आते ही मैंने कहा भाई जरा सा भी कोई व्यक्ति ऐसी खटर पटर करता है तो भाव में विक्षेप हो जाता है। कितने लोग यहां पर भाव से बैठे सुन रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ कुछ जरा सा अवांछित शब्द का उच्चारण कर दे, हम सबके भाव में थोड़ी देर के लिए विक्षेप हो जाएगा। एक साधारण से व्यक्ति के शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको वहां से यहां उतार कर ला सकता है। फिर संत के शब्द में अगर ऐसी सामर्थ्य हो जो आपको यहां से उठाकर वहां पहुंचा दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये वही शब्द है भाई, जिन शब्दों का हम चिंतन भजन मनन यहां कर रहे हैं, ये समाधि भाषा के शब्द हैं। माया और काल से परे होकर संतों की लेखनी से किसी ने स्वयं को प्रकट किया है। संत जब बोलता है उसके मुख से भगवान बोलते हैं, संत जब कहता है तो भगवान अपनी बात उसके मुख से कहते हैं, संत जब लिखता है ना तो वही महामहिम संत की लेखनी से अपने आप को प्रकट करता है। तभी तो हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। और श्री जी की कृपा से, इन संतों की कृपा से भाई, मैंने तो अपने जीवन में हजारों ऐसे उदाहरण देख लिए। लोग आकर ये कहते हैं, बोले आपकी कथा सुनी जीवन बदल गया। मेरी कथा नहीं है भाई, ये इन संतों के शब्दों की ऊर्जा है, यही सत्संग है, यही सत्संग है। ये अस्मदादि जीवों के लिए उस महामहिम द्वारा किया गया शक्तिपात है, आमूल चूल बदल देता है, ये भीतर बाहर से सब बदल देगा। आप लगे रहिए, आप बने रहिए, तनही राख सत्संग में। अरे बड़ी प्यारी बात ध्रुवदास जी कहते हैं, कहा ना होई सत्संग ते देखो तिल परते। कोई पूछे भाई क्या होता है, क्यों जाते हो सत्संग में, क्या होता है, हमारे ध्रुवदास जी दूसरी ओर से चलते हैं। बोले क्या नहीं होता है, आप ये मत पूछिए सत्संग से क्या होता है, आप ये पूछिए सत्संग से क्या नहीं होता है। हमारे नागरी दास जी कहते हैं, मनहू की जहां गति नहीं, जहां एक साधारण व्यक्ति का मन भी नहीं जाता, और तहां निकासे गात, वहां संतों ने सशरीर प्रवेश पाया, जहां मन में नहीं जाता। श्री सेवक जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी, चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी सदैव ही निकुंज में पहुंच गए, गाते गाते ध्याते ध्याते। तो ये पूछिए क्या नहीं होता है सत्संग से। मैं तो बड़े विश्वास से आपको ये बात कह रहा हूं भाई, जीवन का कोई अभाव ऐसा नहीं है जिसे सत्संग पूरा ना कर दे। कोई अभाव ऐसा नहीं है, भीतर का बाहर का, मन का बुद्धि का चित्त का, कोई अभाव ऐसा नहीं है जो सत्संग पूरा ना कर दे, दूर ना कर दे। आप बने रहिए श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, बस बने रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, नाम जपिए, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और जहां पर आकर आप बैठे हैं यहां की तो महिमा यही है, कोई प्रश्न आ भी जाए तो पूछना नहीं पड़ता, पूछने का परिश्रम नहीं करना पड़ता, उन प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं जो आपके हैं। और मैं तो कहता हूं सत्संग आने वाले प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है, जो कभी आ सकते हैं आपके मन में, ये उनका उत्तर भी दे देता है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि उधार का प्रश्न ना हो, प्रश्न भी ईमानदार होना चाहिए भाई, उसका उत्तर मिलता है, उसी का उत्तर मिलेगा यहां, उधार का प्रश्न ना हो। अब प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं विनम्रता पूर्वक कह दूं, आज भी मुझे मिला, शायद ये उन्हीं का प्रश्न है जिन्होंने कल पूछा था। आपने पूछा कि हम अंतरंग मंडल का भजन करें या बहिरंग मंडल का भजन करें। मुझे ऐसा लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, कोई अन्यथा ना ले। पहली बात तो जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ये चयन करे कि मुझे किस भाव से भगवान का भजन करना है, ये निश्चित तो प्रभु करते हैं। और मैं समझता हूं
अंतरंग मंडल और बहिरंग मंडल क्या है, ये किसी से सुना होगा तो प्रश्न होगा, लेकिन अगर किसी ने भजन करके भीतर भाव में उतर कर देखा होगा तो ये प्रश्न हो ही नहीं सकता भाई, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर किसी ने भजन किया है, ध्रुवदास जी के कहने पर अगर कोई चला कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, अगर कोई इस रीति से, इस विधि से भजन के मार्ग पर चला, कोई प्रश्न नहीं होता भाई। मैं चुनौती देकर ये बात कहता हूं, बड़े दृढ़ विश्वास से मैं ये बात कह रहा हूं, मेरे अपने जीवन का ये अनुभव है। जो आपके प्रश्न है उनके उत्तर तो मिल ही जाएंगे, जो आने वाले प्रश्न है उनका समाधान भी नाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से पहले ही हो जाएगा। अब ये तो भाई मुझे लगता है जैसे किसी ने मुझसे ये पूछा कि एक लाल वस्त्र है एक काला वस्त्र है, बताइए हमें कौन सा खरीदना है, हमारा अधिकार नहीं भाई इसमें। और मेरे महाप्रभु जी ने तो चतुरासी में श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वरण जूब घन तड़ित बीच कनक मरकत मनी, ये भी कहा है। और श्री महाप्रभु जी ने चतुरासी में आई ब्रज नारी सुनत बंसी रव गृहपति बंधु विसारे दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। महर्षि श्री सुधा निधि में एक श्लोक है, गता दूरे गावो, बड़े सारे विद्वान लोग मैं देखता हूं उस पर बड़ी खींचातानी करते रहते हैं, बोले कि श्लोक का अर्थ ये है कि संध्या का समय हो गया है, गायें चरते चरते दूर निकल गई हैं, और वहीं वन में श्री ठाकुर जी को, श्री लाल जी को, श्री प्रिया जी की एक झलक मिली है, और प्रिया जी की झलक मिलते ही श्री ठाकुर जी प्रेमातिरेक से विह्वल होकर मूर्छित हो गए हैं। तो ठाकुर जी के जो सखा हैं वृषभ स्तोक आदि, वो श्री ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, वो उनको पुनः चेत में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी एक एक झांकी महाप्रभु ने सुधा निधि में दिखाई। अब बहुत से विद्वान लोग कहते हैं बोले निकुंज में गैया कहाँ से आई, निकुंज में सखा कहाँ से आए। अब भाई आपकी दृष्टि निकुंज में, आपकी दृष्टि गैया और सखा पर है, और महाप्रभु की दृष्टि है वो लाल जी के हृदय में जो प्रेमातिरेक है, वो जो प्रेम उदय हो रहा है, उनकी दृष्टि वहां है। आप कोई चित्र देखते हैं, किसी को क्या दिखाई पड़ता है, किसी को क्या दिखाई पड़ता है। यही बात मैंने कल आपको कही थी, ये हित की उपासना है भाई, जहां जहां हित का दर्शन हुआ है महाप्रभु जी ने उस लीला को गाया है। तो मैं कह आपसे केवल इतनी बात रहा था कि नाम जपिए भाई, भजन करिए, ना आपके प्रश्न उधार के हो ना आपके अनुभव उधार के हो, थोड़ा हो पर आपका हो। बड़ी भूल होती है हमसे, मैं पहले दिन से आपसे सहस्रों बार ये निवेदन कर चुका कि अपनी सारी शक्ति नाम रटने में लगाइए, वही आपको ले जाएगा वहां तक, वही समर्थ है वहां तक की यात्रा कराने में। गोपियां श्री कृष्ण से यही कह रही हैं, ठाकुर जी ने कहा कैसे जीवन धारण किया, गोपियों ने कहा आपका नाम और आपकी आपकी कथा। क्षमा करना अगर अगर मेरा शब्द किसी को कठोर लगा हो, पर मैंने कहा ना भाई मैं यहां बैठा हूं, मैं तो सत्य की सेवा करने के लिए बैठा हूं, और सत्य यही है, सत्य यही है। जो भजन भाव में उतरा है, जिसने नाम के प्रकाश में लीला का दर्शन किया है, उसके मन में ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता भाई। जिसने नाम जपा है उसका ऐसा प्रश्न नहीं होता। और डरना नहीं, फिर कभी प्रश्न आए फिर भी पूछना, पर मैं केवल इतना कह रहा हूं ईमानदारी का प्रश्न हो, अपना प्रश्न हो, अपना प्रश्न। ये प्रश्न तो भाई वो पूछे जिसने दोनों का दर्शन कर लिया हो, और फिर वो पूछ रहा हो कि भाई हमको कहां जाना है। जिसके सामने दो मार्ग हो वो पूछ रहा हो कि भाई मुझे कहां जाना है। आपने पूछा और मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की भांति आपको उत्तर दे देता कि भाई महाप्रभु जी ने तो इस रस का प्रागट्य किया, ये हमारी उपासना, इसका भजन करिए, पर वो उत्तर भी मेरा नहीं होता भाई। उत्तर भी यहां वहां का उत्तर होता, यहां वहां का प्रश्न और यहां वहां का उत्तर। पर मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं भाई, ऐसी भूल मत करना। प्रथम अध्याय में हमने बड़े विस्तार से इसका इसका चिंतन किया, रस ब्रह्म तक ले जाने वाला कौन है, शब्द ब्रह्म है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, हरिरीति अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुअंश नखसिक सुंदर ध्यान धरी जय जय श्री हरिवंश। नाम जपिए, नाम में जो निहित है उसका प्रकाश होने दीजिए,
उसका प्रकाश स्वतः होने दीजिए। नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। आपके हजारों हजार प्रश्नों का एक उत्तर है, नाम जपिए, नाम रटिए। अरे कितनी सुंदर रीति से सेवक जी ने बता दिया, नाम रटत आई सब सोही, आई सब सोही। मैं आपको ऐसा या वैसा कोई मंत्र नहीं दे सकता, देना चाहूं तो दे सकता हूं। मैं भी कहता 3 साल पहले ये कर लो, फिर 5 साल वो कर लो। नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये हमारे गुरुजनों की आज्ञा नहीं। डंके की चोट पर एक बार नहीं, सहस्रों बार श्री सेवक जी ने कहा। और अभी मैं आपसे कह रहा था, संतों से जो लिखाया है वो महामहिम ने स्वयं को प्रकट करने के लिए लिखाया है। सेवक जी से जो लिखाया वो श्री जी ने लिखाया, कहाया आपको, मुझे बताने, सिखाने, समझाने के लिए। सेवक वाणी कुछ और नहीं है, निकुंज तक जाने का मार्ग ही तो है, वो निकुंज तक जाने की गैल ही तो है, वो रास्ता ही तो है, उस पर चलिए। और चलना आरंभ करेंगे आप सेवक वाणी रूपी मार्ग पर, तो आरंभ भी कहां से है? श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। और वो ले भी आपको कहां जा रहा है? कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। तो प्रयास पूर्वक सत्संग में बने रहना, सब प्रश्नों का उत्तर यहीं से मिल जाएगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। जीवन का जो वास्तविक सौंदर्य है, आत्मा का जो वास्तविक सौंदर्य है, वो भगवान की गुनगुनते गुनते, सुनते सुनते, चुनते चुनते, गुनते गुनते प्रकट होता है। महाप्रभु कहते हैं ना, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। तो प्रभु के गुण सुनते चुनते गुनते प्रकट होता है। आत्मा का जो सौंदर्य है, जो वास्तविक सौंदर्य है, वो जो जीवन की आभा प्रभा है, वो जो जीवन का गौरव, जीवन की गरिमा है, और मैं कहूंगा मानव जीवन की जो महिमा है, वो इसी विधि प्रकट होती है। एक और बात गोपी कहती है, भाई जो जो इस रस का दान करते हैं, देखो जो कथा का दान कर रहा है वो एक प्रकार से भगवान को ही दे रहा है। छोटी सी वस्तु देने का बड़ा बड़ा फल हमारे शास्त्रों में लिखा है, आप पढ़िए शास्त्रों में। छोटी छोटी वस्तु देने का बहुत बड़ा बड़ा फल हमारे शास्त्रों में लिखा है, बहुत बड़ा महात्म्य है दान का। छोटी वस्तु देने का इतना बड़ा फल है, फिर जो भगवान को ही दे दे, जो भगवान को ही दे दे, उसका क्या फल होगा? अर्जुन से तो भगवान ने यहां तक कहा कि एक जीव को, यदि कोई एक जीव को मेरे सन्मुख कर दे तो भगवान कह रहे मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, एक जीव को। तो गोपी कहती है, भाई वो बड़भागी हैं, वो बड़भागी हैं जो जो इस कथा रस का दान करते हैं। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आसा, जन्म जन्म की पूरी आसा। असल में हुआ क्या कि कुछ बातें संतों की जीवन में घर करके बैठ गई। जैसे मेरे कबीर साहब कहते ना, कोई कहता पोथिन की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। महाराज जी, बहुत साल पहले एक बड़े भावसिद्ध महात्मा ने ऋषिकेश में मुझसे ये बात कही। मैं शायद एकादश स्कंद की चर्चा ही कर रहा था वहां। उन संत ने मुझसे बड़ी सुंदर बात की। उन्होंने कहा, बेटा जब कहो तो तुम्हारे वचन में पुनरुक्ति भले हो जाए, माने एक बात फिर कहना,
तो जब बोले जब बोलो तो तुम्हारे वचन में पुनरुक्ति भले हो जाए पर अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। माने वो मत कहना जो तुमने न देखा हो, वो ना कहना इसका स्वयं तुमने अपने जीवन में अनुभव ना किया हो। उनका कहने का तात्पर्य था माने लिखी पड़ी बात मत सुनाना, भजन करना, साधन करना और साधन की कृपा से जो अनुभव हो उसी अनुभव को बांटना। बोले भले पुनरुक्ति हो जाए, एक बात आप अनेक बार कह दो पर अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए जब आप कहें यहां से। एक एक, एक कवि की कविता में और एक महापुरुष के द्वारा गाए गए एक एक पद में एक भाव में क्या भेद होता है? यही तो भेद होता है। कवि ने अपनी बुद्धि के विलास को प्रकट किया है, उसकी प्रतिभा है वो, लेकिन है उसकी बुद्धि का विलास, खींच तान कर उसने रच दी एक सुंदर सी कविता। और जब संत गाता है मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या बोले, इसी को समाधि की भाषा कहते हैं। यही है माया और काल से अतीत, जिसका इसका कल हम कुछ कुछ चिंतन यहां कर रहे थे। दैट टाइमलेस जोन बट देर इज नो टाइम, व्यास जी कह रहे हैं नहीं संध्या नहीं प्रात। जिस भी विधि मन प्रभु के चरणों में अनुरक्त हो वही विधि श्रेष्ठ है भाई, वही विधि श्रेष्ठ है। एक और बात पूछी गई आज मुझसे, बोले निकुंज के प्रिया प्रीतम अलग हैं और यहां के प्रिया प्रीतम अलग हैं क्या? यही तो मैं कह रहा हूं, जब आप दो मार्ग देखोगे, आप बड़ी भारी भूल कर रहे हो। जैसे ही आप इस चिंतन में पड़ोगे, इस विचार में पड़ोगे, आपका चिंतन बढ़ता चला जाएगा, भटकता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी भूल ना हो। आपको एक बात पूछता हूं, मैं आपको यहां बैठकर कथा सुना रहा हूं या मैं आपको बाहर बैठकर कथा सुनाऊं, या मैं आपको छत पर बैठकर कथा सुनाऊं, या मैं बाहर सड़क पर बैठकर कथा सुनाऊं, आपको तो मुझे सुनना है ना। प्रिया और लाल ने जहां जहां प्रेम रस का प्रकाश किया है बस वही लीला हमारा आराध्य है, वही हमारे लिए चिंतनीय है, वही हमारे लिए ध्येय है। ये सब प्रश्न देखता हूं तो कभी कभी मुझे बुद्धिमान होने से डर लगता है। तभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा मां काली से जाकर, मां मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, हर लो मेरी बुद्धि, कि ये बार 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 तुम्हारे होने का प्रमाण चाहती है, ये तर्क उपस्थित करती है, ये प्रश्न उपस्थित करती है, ये तुम्हारे होने का प्रमाण चाहती है। और यहां प्रेम का मार्ग कैसा है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयानप बांक नहीं, ना मन की कुटिलाई चलती है ना बुद्धि की चतुराई चलती है। सयानप माने चतुराई और बांक माने कुटिलाई, ना यहां मन की कुटिलाई चलती है ना बुद्धि की चतुराई, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। गुरु ने कह दिया घपड़ सपड़ जपो तो जपो, हाँ जपो, जन्म कोटि लग रगर हमारी। और ये बल विश्वास कहां से मिला? गुरु ने मुझे उपदेश किया है इसी विधि भजन करना। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था ना, जब गुरु निष्ठा की बात आती है तो धन्य धन्य धन्य। महादेव कथा सुना रहे हैं, बोले नारद जी को श्राप देना पड़ा भगवान को, तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। और महादेव न्यौछावर हो जाते हैं माँ गिरिजा की इस गुरु निष्ठा, बोले धन्य है आप और धन्य है आपकी गुरु निष्ठा, आपने मुझसे ये पूछा कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, क्यों श्राप दिया, का अपराध रमापति कीना, भगवान ने ऐसा क्या अपराध कर दिया। ये नहीं कहा नारद जी से गलती क्यों हो गई, बोले भगवान से क्या गलती हुई कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। ऐसी गुरु निष्ठा। और मैंने आपसे कहा कि महाप्रभु जी ने ये भी कहा, महाप्रभु जी ने वो भी कहा, आप और मैं कौन है भाई, एक या दो नंबर उसे देने वाले, आगे या पीछे उसे रखने वाले। अरे चलो, यहां खड़े खड़े पूछते मत रहो, यहां खड़े खड़े ये सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढते मत रहो, चलो। और चलना क्या है? नाम जपना आरंभ करो, चलो, चलने वाला पहुंचता है। बैठा बैठा रास्ता पूछता रहे, वहां पर क्या होता है, क्या मिलता है,
ये सब व्यर्थ की बात है। चलिए, चलना आरंभ करिए, नाम जपिए। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। और बस प्रभु की कथा सुनते सुनाते रहिए। और कोई ना मिले, कोई ना मिले सुनने वाला सुनाने वाला। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई नहीं मिल रहा है, ना सुनाने वाला ना सुनने वाला, तो आप सुनाने वाले बन जाना, अपने मन को श्रोता बनाना, अपने मन को सुनाना। पर कथा के भाव में रहना, इस चिंतन में रहना, प्रभु के निकट बने रहना। श्री कुम्मन दास जी महाराज ने ठाकुर जी से क्या मांग कर श्री चतुर्भुज दास जी को लिया। कुम्मन दास जी से कोई पूछता था ना, कितने पुत्र हैं? बोले डेढ़ पुत्र है मेरा। सात पुत्र थे, डेढ़ पुत्र है। बोले एक तो श्रीनाथ जी की केवल गऊ की सेवा करता है, उसे तो मैं अपना आधा ही पुत्र मानता हूं। बोले ये चतुर्भुज दास मेरा पूरा पुत्र है। और श्री कुम्मन दास जी ने श्री आचार्य चरण से याचना करके उस पुत्र को लिया। किसी ने पूछा छह पुत्र तो पहले ही हैं, तो श्री कुम्मन दास जी ने कहा कोई ऐसा पुत्र मिले जिसके साथ बैठकर मैं सत्संग कर सकूं, जिसके साथ बैठकर मैं भगवत चर्चा कर सकूं, जो मुझे प्रभु की लीला सुनाए और जो कभी कभी मुझसे प्रभु की लीला प्रेम से भाव से सुने। कोई ऐसा पुत्र मुझे मिले जिसके साथ भगवान की बात कह सुन सकूं, ऐसा पुत्र दीजिए जिसके साथ सत्संग कर सकूं। तो श्री चतुर्भुज दास जी का प्राकट्य हुआ। इसीलिए कल विराम के क्षणों में आपको निवेदन किया मैंने, मांगते रहना भाई ठाकुर जी से, बार बार वर मांगी हूं, हरषि देहूं श्री रंग पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। कोई एक शब्द बस उसकी चोट लग जाएगी, कोई एक शब्द, कोई एक विचार भीतर चोट लग जाएगी। आप लोग जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, रूपांतरण हो जाना, जिसको कबीर कहते हैं ना मन का फिर जाना, इससे वो मन का फिर जाता है कभी कभी शब्द की चोट से। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। महाराज जी अब तो आपकी कृपा से मुझे भी कोई कथा सुनाने वाला मिल गया है, मुझे तो सुनाना आरंभ कर दिया है इन्होंने। और महाराज जी ने कहा भाई मैं भी सुनूंगा, हो सकता है जल्दी आपको भी सुनने को मिल जाए, मुझे तो सुनने को मिल रही है। जो तुम देखे लाल महाते बड़े भाग नर, ऐसो कथा प्रताप कहत जेते सुकृति वर, ताते दर्शन देहु मेह सो सुख बरसावो, चातक सी हम रटत श्याम घन से चलिया। वो भी अगर किसी चातक की भांति विव्वल होकर, किसी प्यासे चकोर की नाई, हम कितनी देर से कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। श्री ललित किशोरी जी एक बड़ा सुंदर भाव गाया करते थे, रे निर्मोही छवि दर्शाए जा, रे निर्मोही छवि दर्शाए जा, रे निर्मोही छवि दर्शाए जा, रे निर्मोही छवि दर्शाए जा। कान चात की बिरह श्याम घन, कान चात की बिरह श्याम घन, मुरली मधुर सुनाए जा,
छवि दर्शाए जा रे निर्मोही छवि दर्शाए जा रे निर्मोही छवि दर्शाए जा काल जात की शाम विरह घन काल जात की शाम विरह घन मुरली मधुर बजाए जा छवि दर्शाए जा रे निर्मोही छवि दर्शाए जा निर्मोही छवि वर्णन अपनी जिव्या से कर रही हो, तुमको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम दुखी हो, पीड़ित हो। तुम्हारा मुख चंद्रमा की भांति
सुंदर, शीतल, उज्जवल, तुम्हारे रोम रोम से ये जो प्रेम की धारा निस्रित हो रही है, ये सारी सृष्टि का मंगल कर रही है, कल्याण कर रही है। पुनाति भुवन त्रयम, ये त्रिभुवन का मंगल कर रही है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे तुम जिस दुख की बात कर रही हो, ऐसी दुखी तुम दिखाई तो नहीं पड़ती। तो गोपियों ने कहा, ये भी प्यारे आपके नाम का ही अमृत है। मन के मधुबन में रास बचाए रसिया, मन के मधुबन में रास बचाए रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आशा क्या है, चाहती क्या है, हम तुमसे क्या मांग रही हैं? कोई लोक परलोक का वैभव नहीं चाहिए। अरे हमें तो अपने कल्याण की भी चिंता नहीं है, बस एक बात चाहती है। हरि जी मोरे नैनन आवे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आके रहियो, नाथ मोरे नैनन आवे रहियो, नाथ मोरे नैनन आके रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे अनेक अनेक प्रकार की आसक्तियों का, प्रभु में अनेक अनेक प्रकार की आसक्तियों का वर्णन किया है। उसमें एक है रूपासक्ति। गोपियां रूपासक्त हैं, श्री कृष्ण के रूप में आसक्त, श्री मीरा जी रूप में आसक्त हैं। जहां के सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। पद पंकज सुख रूप परणत पूरत मन के हित, धरणी मंडन सुखद प्रेम युत तत्यज अर्चित। ब्रह्मादिकों के द्वारा सेव्य पूज्य आराध्य आपके जो चरण कमल हैं, पद पंकज सुख रूप प्रणत पूरत मन के हित, और बार बार स्मरण दिला रही हैं गोपियां कि हे प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, भूलिए मत। कल मैं आपसे कह रहा था ना, इसीलिए भक्त लोग यश गाते हैं भगवान का, स्मरण दिलाते हैं उन्हें। जैसे कैसे गोस्वामी जी करें, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। हे प्रभु कहीं आप ये सोचते हो कि हमारा तुम्हारा संबंध क्या है, तो एक नहीं है अनेक हैं, जो आपको रुचे आप उसे मान लीजिए। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों
तुलसी कृपा चरण शरण पावे तू दयालु दीन। तो गोपियां बार बार स्मरण दिला रही है श्री कृष्ण को, आप शरणागत वत्सल, आपके चरणों की शरण में जो आता है आप उसका त्याग नहीं करते, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। कोटि विप्रवध ला गई जाऊ राय शरण तजऊ नहीं था, और हम आपकी शरण में आई हैं। हम दीना हीना, हम अबला, हम आपकी शरण में आई हैं, आपके चरणों की शरण हमने ग्रहण की है, उन्हीं चरणों की, ब्रह्मादिक जिनका पूजन अर्चन वंदन सतत निरंतर करते हैं। हे रमण किशोर आदि अनुते पदनागर अबलन उर पर धरो करो करुणा सुख सागर। बार बार कह रहे प्रभु ये जो हमारे हृदय में जो रोग हो गया था कितना कष्ट उस रोग के कारण हम पा रहे हैं, पुनः ना हो जाए, पुनः कहीं आपसे वियोग ना हो जाए, आप मिलकर फिर ना बिछड़ जाएं, इसीलिए अब इसका समाधान करिए। और समाधान एक ही है कि हमारे हृदय कमल पर अपने चरण कमल स्वयं प्रतिष्ठित कर दीजिए, विराजमान रहें आपके चरण हमारे हृदय कमल पर, प्रतिष्ठित रहें आपके आपके चरण कमल। ये जो महाप्रभु ने कहा ना जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, ये वस्तुतः हृदय पट्ट पर चरण कमलों की प्रतिष्ठा ही है। और मैं तो आपको सरल शब्दों में एक बात कह रहा हूं भाई, जब तक प्रभु के चरण कमलों का रस इस मन मधुकर को नहीं मिलेगा तब तक विषय का रस नहीं छूटेगा। खूब टक्कर मारकर देख लेना, खूब तीर्थ दान धर्म जो आप कर सकते हो आप कर लेना। पूर्व में मैंने कभी आपको निवेदन किया था, पुण्य कमाना कोई कठिन कार्य नहीं है भाई, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, पाप छोड़ना कठिन है, पाप नहीं छूटता। पुण्य तो व्यक्ति खूब कमा लेता है, पाप नहीं छूटता। पुण्य अधिक होने से भगवान निकट नहीं आते, वो ध्यान से सुनना, पुण्य अधिक होने से भगवान निकट नहीं आते, पर पाप अधिक होने से जीव भगवान से दूर अवश्य हो जाता है, जीव भगवान से विमुख अवश्य हो जाता है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। पुण्य अधिक हो तो वो भगवान के निकट तो नहीं ले जाता, लेकिन पाप यदि अधिक हो जाए तो वो जीव को पीछे जरूर धकेल देता है। मैं देखता हूं, कभी आंख से देखता हूं भाई, कि कोई एक आध व्यक्ति सत्संग में ऐसा भी आकर बैठ जाता है, खूब भजन कीर्तन आनंद होता है, लेकिन उसका मुख भी नहीं खुलता, उसकी जिह्वा पर नाम भी नहीं आता, ऐसा क्यों? यही कारण है, पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। तो पुण्य तो कमा लोगे भाई, पाप नहीं छूटेगा, पाप नहीं छूटता। पाप का बीज नष्ट हो जाए उसी को मन निर्मल होना कहते हैं, वो केवल प्रभु के चरण कमलों के आश्रय से ही होगा। केवल माने और कोई रास्ता नहीं, कोई तरीका नहीं, सब करते रहो अच्छी बात है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, पर जब बात मन की आएगी ना, जब बात मन की आएगी तो फिर एक ही रास्ता है भाई, इसी को पकड़ना, और हरि पद भज न विलंब कर, और अविलंब पकड़ना, देर नहीं लगाना। मन भमरा हो जाए और बस प्रभु के चरण कमल से लिपटा रहे, लिपटा रहे। तो गोपियां कह रही अवलन उर पर धरो करो करुणा सुख सागर, अब कृपा करिए हे सुख सागर, अब हम पर निहाल होइए और अपने वो चरण कमल हमारे हृदय पट्ट पर पधराइए, उनकी प्रतिष्ठा करिए, विराजमान करिए। अधरमृत तब वीर सुरत वरधन मन भावन वेणुनाद रस पग्यो धरनि दिव सुख ही भुलावन। अच्छा देखो, पहले गोपियों ने कहां से शुरू किया, दैत दृश्यता, कहां से शुरू किया गोपियों ने, दैत दृश्यता, पहले तो कहा दर्शन दीजिए, फिर कहा थोड़ा प्यार से हमारी ओर देखिए, थोड़ा प्यार से हमारी ओर देखिए, फिर कहा अपना वो जो वरद हस्त है वो हमारे सर पर पधराइए।
और फिर कहा कि अपने चरण कमल को हमारे हमारे हृदय पट्ट पर विराजमान करिए। जब यहां तक आती 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 गोपियों को लगा कि अब लगता है प्रियतम थोड़े अनुकूल हो गए हैं, रूठ गए थे ना तभी तो छिप गए जाकर, बोले अब लगता है कि अब श्याम सुंदर थोड़े अनुकूल हो गए हैं। अच्छा, इतनी योग्यता आप में होनी चाहिए, अगर आप किसी से कोई वस्तु लेने के लिए गए हैं तो पहले उसकी अनुकूलता देख लें। आपके शब्दों में कहूं तो उसको मूड, मैंने अनुकूलता देख ले, तो जाते उस पर सवार नहीं हो जाना चाहिए, पहले उसकी अनुकूलता देखी जाती है, उसका मन कैसा है, उसका चित्त कैसा है। तो गोपियों ने सीधे ही अधिकार की बात नहीं की, बड़ी विनम्रता से प्रार्थना शुरू की, दैत दृश्यता। कहां से शुरू की गोपियों ने बात? सुरत नाथ थे शुल्क दासिका, अरे हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। अब यहां बिना मोल की दासी क्या मांग रही है? अधरमृत तब वीर सुरत वरधन मन भावन वेणुनाद रस भग्यो धरनी दिव सुख ही बुलावन। अधरामृत अर्थात श्री ठाकुर जी का वेणुनाद उनका अधरामृत ही है। ये जो वेणुनाद है, जो वंशी की ध्वनि है, ये अधरामृत ही है। इसीलिए इस वंशी की ध्वनि का परिणाम ऐसा है कि इस वंशी की ध्वनि का अनुसरण करने वाला धर्म कर्म का विचार नहीं कर पाता है। बाकी सब मार्गों में विधि निषेध है, इस मार्ग पर विधि निषेध क्यों नहीं है? क्योंकि जब ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, जो उनके अधरों का अमृत है, उसका संचार जब जीव के उर अंतर में होता है, फिर वो कोई और विचार नहीं कर पाता, वो विवश हो जाता है। यही प्रेम जन्य विवशता है। और वो प्रेम ही क्या जो आपके नियंत्रण में रहे? मैंने आजकल के लोग तो ऐसे ही होते ना, बोले अब आपसे प्यार करते हैं, अब आपसे नहीं करते, अब ज्यादा करते हैं, अब कम करते हैं। तो वो जो नियंत्रण है वो तो आप ही के हाथ में है ना, ऐसे नहीं होता है प्रेम। वो तो अधिकार करता है, वो तो आपको अपने नियंत्रण में करता है, वो आपके नियंत्रण में नहीं होता है। तो जब श्री ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, वो जो प्रेम का संचार जब करते हैं, फिर धर्म कर्म का विचार नहीं होता। इसीलिए श्री महाप्रभु जी की उपासना का परिचय श्री नावाजी महाराज ने क्या कहकर दिया? विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। इसलिए यहां पर विधि निषेध नहीं है, क्योंकि इस उपासना का मूल क्या है, इस उपासना का बीज क्या है? श्री कृष्ण के अधरों पर सजी वंशी से निस्सृत वो नाद। और फिर इसीलिए श्री महाप्रभु की उपासना राधा चरण प्रधान उपासना है। इसीलिए श्री प्रिया जी महाप्रभु जी के प्राण हैं, क्योंकि वंशी तो श्री राधा के अतिरिक्त और कुछ कहती नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान से, शांत मन से, स्थिर मन से, जो भाव से इस भाव में प्रवेश करने की चेष्टा करोगे तो आपको सब समझ में आता चला जाएगा। नाम की कृपा से ये रस रहस्य आपके हृदय में उजागर होता चला जाएगा। जैसे कमल की एक एक पंखुड़ी खुलती चली जाती है, ऐसे ही रहस्य अपने आप उजागर होगा आपके भीतर। क्यों महाप्रभु की उपासना राधा चरण प्रधानी है? क्योंकि भाई वंशी राधा के अतिरिक्त और कुछ जानती नहीं। वंशी तत्प्रेम रूपिका, प्रेम का विग्रह वंशी है। जब ब्याहुला गाया जाता है तब हम गाते हैं ना, पूज देवी नेह की दो रति विनोद बिहारही। वो नेह की देवी कौन है? वंशी ही वो नेह की देवी है। वंशी तत् प्रेम रूपिका, ये युगल का प्रेम है। इसलिए वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया अर्थात युगल का प्रेम, युगल की कृपा, युगल की करुणा, उसी के आश्रय से श्री कृष्ण ने ये लीला की है। तो ये लीला ना श्री राधा की लीला है, ये लीला ना श्री कृष्ण की लीला है, ये लीला वंशी की लीला है। और वंशी कौन है? तत् प्रेम रूपिका, वो युगल का हित है, जो परस्पर का हित है, वो मूर्त होकर वंशी के रूप में प्रकट है। गोपियों ने कहा कि अब कुछ और नहीं प्यारे, वही अधरामृत, वही आपका प्रेमामृत, वही हमें प्रदान करिए। हसत बदन सुख सदन प्रेम एक क्षण तब प्यारे, विहरन मंगल ध्यान क्षोभ ना करत हमारे। देखो हमरो प्रेम चलत जब ब्रिज तैले पशु,
बन में सिल त्रिन कठिन समझ कंपित हमरे हंसु। गोपियां कहती है कि आपकी एक एक लीला की हमें सुध होती है। हरी तेरी लीला की सुधिया कमल नैन मन मोहनी मूरत कमल नैन मन मोहनी मूरत मन मन चित्र बनावे हरी तेरी लीला की सुधिया। आपकी लीलाओं का हमें बारंबार स्मरण होता है, हो रहा है। गोपियां श्री कृष्ण को बता रही हैं, मेरे प्यारे जब आप वन में जाते थे गोचारण के लिए, हमारा हृदय भोर से लेकर सांझ तक केवल इसी बात से चिंतित रहता था, कंपित रहता था कि कहीं आपके पांव में कोई कांटा न चुभ जाए। जब आप जाते थे तो हमारा पूरा दिन केवल इसी चिंता में बीत जाता था कि आपके सुकुमार चरण कमलों में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेमास्पद के अति हित का विचार। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, पलकन को जैसे अधिक पुत्री नसो अति प्यार, अति प्यार। ऐसी गोपियों के हृदय में अति प्रेम है कि प्यारे हमारा पूरा दिन बीत जाता था केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते कि उनमें कोई कांटा ना चुभ जाए। कांटा आपको चुभेगा, पीड़ा हमें होगी। देखो हमरो प्रेम चलत जब ब्रिज तेले पशु बन में सिल त्रिन कठिन समझ कंपित हमरे कमल हूं ते सतगुने चरण कोमल जो तुम्हारे जो जो धरनी धरत दुखी मन होत हमारे। कमल हूं ते सतगुने, कमल से सौ गुना कोमल आपके चरण कमल। बोले जितनी बार आप भूमि पर चरण धरते थे उतनी बार हमारा हृदय विथकित हो जाता था, व्याकुल हो जाता था। कैसे कैसे आपको अपने हृदय की पीड़ा बताएं। जब गोधन के संग संग डोलत बन माही बिन देखे तुम लाल एक त्रुटि जुग समझाए। हम जानती थी कि आप सांझ को लौट आओगे, आप गौचारण के लिए गए हो, हम जानती थी आप सांझ को लौट आओगे, बस आप आ ही जाओगे, पर फिर भी आपके श्रीमुख चंद्र का दर्शन किए बिना बिन देखे तुम लाल एक त्रुटि जुग समाही। अब भाई इस बात को तो कोई प्रेमी हृदय समझ सकता है। अब आप देखो, कभी आप अपने किसी सुहृद का, किसी स्नेही का इंतजार करते हो, प्रतीक्षा करते हो, वो प्रतीक्षा का काल कितना लंबा होता है, वो अवधि कितनी बड़ी होती है। ऐसे भी सब कहते हैं बोले सुख की घड़ियां बड़ी छोटी होती है, दुख का समय पहाड़ जैसा होता है, काटे नहीं कटता, बिताए नहीं बीतता। तो गोपियां कहने प्यारे हम जल बिन मीन की भांति छटपटाती थी आपका मुखचंद्र देखे बिना, जबकि जानती थी संध्या समय आप लौट आएंगे। एक एक पल हमारा युग के समान, कल्प के समान बीतता था। वासर इहि विधि जात नंद के तात प्यारे आवत ब्रज जब सांझ नेक दृग होत सुखारे। दिन तो इस प्रकार बीत जाता था, सुख की सांस आती थी कब, जब दर्शन करती थी आपका गोधूली बेला के समय। आवत बने कान गोप बालकन संग आवत बने कान गोप बालकन संग नीचुकी खुर रेणु शुरित अलका। आपका श्रीअंग वो श्यामल गात मंडित होता था गौरज से, और आपके आपके मुख चंद्र पर वो बिखरी अलकावली जैसे असंख्य असंख्य भ्रमर मंडरा रहे हो किसी नील कमल का मकरंद रस पान करने के लिए। आवत बने कान गोप बालकन संग आवत बने
नीचुकी खुर रेणु क्षुरित अलकार, नीचुकी खुर रेणु क्षुरित अलकार, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, भोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण। और जब आप अपनी उस वक्र उस बंक को तिरछी चितवन से हमारी ओर देख लेते थे, ऐसे लगता था जैसे प्यासी धरती पर, जैसे प्यासी धरती पर कोई जल से भरा मेघ कृपा करके बरस पड़ा हो। मोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, मोह मन मथ चाप वक्र लोचन बाण, शीश शोभित मत मोर चंद्रावली, शीश शोभित मत मोर चंद्रावली, मुख अंबुज अभिराम कुटिल कुंतल अलिलो शोभा, सुरभि रेणु पराग आई त्रिय देखन लोभा, तन कही सुख के दुख दयो विधि मंद बड़ोवती, पलक रची बिच जान नहीं न जाने हित की गति। बोले तन कहीं सुख के दुख दयो विधि मंद पड़ो अति। मंद वैसे तो किसको कहते हैं, मूढ़ को। मंद का अर्थ होता है मूढ़। और गोपियां किसे कह रही है, ब्रह्मा जी को। बोले थोड़ा सा सुख पहुंचाने के लिए ब्रह्मा ने हमारे लिए कितना बड़ा दुख रच दिया, तो ये नेत्रों के आगे ये पलके बना दी, थोड़ा सा सुख देने के लिए कितना बड़ा दुख विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया, जो जो नेत्रों के आगे ये पलके रचा दी। तन कहीं सुख के दुख दयो विधि मंद बड़ो अति, पलक रची बिच आन नहीं न जाने हित की गति। मेरे वो क्या जाने, वो क्या जाने एक प्रेमी हृदय कैसा होता है। गोपियां कह रही है ब्रह्मा क्या जाने प्रेम की गति क्या है, हित की गति क्या है। उसने तो अपना कार्य किया पर हमारे भाग्य में कितना बड़ा दुख लिख दिया। गोपी कह रही है पलक झपकती है, वो समय हमारे लिए असह्य हो जाता है। क्षमा करना, आप और मैं शायद अभी कल्पना नहीं कर सकते इस भाव की, केवल कह सुन रहे हैं। आपके मेरे पास वैसी मन बुद्धि नहीं, ऐसा भाव नहीं इसका चिंतन कर सकें। पलक झपकती है और गोपी कहती है वो बड़ा बड़ा, बड़ा भारी दुख विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया। तैसे ही तुम हूं करी बोल निसी छाड़ी वन में, बातें तुम कुछ अधिक समझ देखो पिए मन में। गोपियों ने कहा प्यारे बस वैसा ही आज आपने हमारे संग किया, बोल निसी छाड़ी वन में, पहले बुलाया और फिर इस प्रकार अर्धरात्रि के समय हमें यहां इस सघन वन में, इस घोर वन में और अकेला भटकने के लिए छोड़ दिया। ये निष्ठुरता नहीं है तो क्या है, ये निष्ठुरता नहीं है तो क्या, ये हृदय की कठोरता नहीं है तो क्या है। इसलिए ललित किशोरी गाते हैं, रे निर्मोही छवि दिखलाए जा, छवि दिखलाए जा। और यहां जब गोपी ने यह कहा ना, बातें तुम कछु अधिक समझ देखो पिए मन में, गोपियों ने कहा थोड़ा तो हमने कह दिया, अब अधिक आप स्वयं समझ लीजिए। आपके जैसी प्रेम की गति समझने वाला दूसरा कौन है, प्रीत की रीत तो आप जानते हैं। और कहूं क्या अंतर आय, कहूं क्या अंतर आमी। पता नहीं क्यों बहुत बरसों से, लेकिन मुझे कभी प्रार्थना करनी हो तो मुझे यही शब्द सबसे सुंदर लगते हैं, और कहूं क्या अंतर आमी, और
कहूँ क्या अंतर्यामी। तन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, एक बार आकर ये कहिए, एक बार आकर ये कहिए, स्वीकारी बिनती, स्वीकारी बिनती सुनिए, नाथ हमारी बिनती सुनिए, नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए सुनियत सदा दयाल, तजो अब अति निठुराई, पूरहु हमरी आस अहो पिय कुमर कन्हाई, गूढ़ हृदय में रोग हमारे उपजो प्यारे, तुमहु जानत लाल तुमहु पुनि सूदन। गोपिया कहती है इस हृदय का रोग भी आप जानते हो, उसकी औषधि भी आप जानते हो, रोग क्या है ये भी आप जानते हो और औषधि क्या है ये भी आप जानते हो। और वैद्य को जब रोग का अनुसंधान हो जाए, जब वो जान ले क्या रोग है और उसके पास औषधि भी हो, फिर तो देने में विलंब नहीं करना चाहिए। एक वैद्य एक डॉक्टर निरीक्षण करके ये जान ले भाई ये रोग है और उसके पास औषधि भी हो, फिर तो देने में विलंब नहीं करना चाहिए। तो गोपियों ने कहा प्यारे इस हृदय का रोग भी आप जानते हैं और उसकी औषधि क्या है यह भी आप जानते हैं, फिर देने में विलंब क्यों। धरहु उरज पद कमल डरहु जिन कठिन मान के, सनय सनय हम धरहि चरण तब मृदुल जान के। गोपियां कहिए डरिए मत, अपने कोमल चरण कमल को हमारे हृदय पर पधराइए, डरिए मत। डरहु जिन कठिन मान के, हम जानती हैं कि हमारा हृदय कठिन, कठिन माने कठोर, प्रभु के चरण कमल को पधराने के लिए कैसा मन चाहिए, ध्रुवदास जी कह रहे माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको और कहकर आगे बढ़ूंगा, ये जो हम अपने सहज स्वाभाविक जीवन में जो व्यवहार करते हैं ना, उसी व्यवहार के कारण कभी कभी हमारे हमारे चित्त में कठोरता आ जाती है। क्यों कहा जाता है सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी, किसी से भी कठोर व्यवहार होगा चित्त कठोर हो जाएगा। मुझसे पूछा एक दो बार कुछ लोगों ने कि हमें 20-50 लोगों से काम कराना होता है, यदि हम कभी कभी कठोर न हो तो फिर काम समय पर नहीं होता, काम ठीक प्रकार से नहीं होता, तो कभी कभी हमें काम कराने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, हमें कठोर होना पड़ता है, क्या करना चाहिए। तो वो सब बात तो ठीक है भाई, पर कठोरता का परिणाम तो कठोरता ही है, इससे इससे तो आप भाग नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते। तो इसीलिए जहां तक हो सके वहां तक आपके व्यवहार में, वहां तक आपके आचरण में मृदुता बनी रहनी चाहिए, जहां तक संभव हो सके वहां तक तो अवश्य प्रयास करना चाहिए। पता नहीं कहां से ये एक वाक्य आ गया और बड़ा प्रचलन में भी हो गया, बोले सच हमेशा कड़वा होता है, सुना होगा आप सबने, बोले सच हमेशा कड़वा होता है, ऐसा नहीं है भाई, सच कड़वा नहीं होता है। हमारे यहां तो शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात,
सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, मीठा बोलिए। यहां तक कहा है शास्त्र ने कि अप्रिय लगने वाला सत्य भी मत बोलिए, मौन हो जाइए। तो ऐसा नहीं है सच कड़वा होता है, मैं आपको जो सुना रहा हूं सच ही तो है, इससे मीठा क्या है संसार में। हाँ ये मैं अवश्य कहूंगा भाई, कहना एक कला है, अपनी बात को कहना ये एक कला है। आपके शब्दों का चयन हो सुंदर मीठा मधुर, कठोर बात भी सरल सहज विधि से कही जा सकती है, कही जाती है। हाँ, पर ये सदा स्मरण रखना कि यदि आप कठोर व्यवहार करते हैं तो हृदय कठोर हो जाएगा, हृदय कठोर हो जाएगा तो प्रभु के चरण कमल पधराने योग्य नहीं रहेगा। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं ना कि आचरण की अशुद्धता जो है, कठोरता जो है, वो मन को भजन के योग्य नहीं रहने देती। आप पाप पुण्य में मत जाइए, पाप लगेगा। मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं कि नरक जाना पड़ेगा या ऐसा होगा या वैसा होगा। कभी कभी तो ऐसे डरा धमका दिया जाता है ना, जैसे आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो जहां तहां देखो बोले किसकी कथा हो रही है, गरुड़ पुराण की कथा हो रही है। अरे गरुड़ पुराण सुनना हो तो जीते जी सुनना चाहिए, स्वयं को सुनना चाहिए। वो जिनको जहां पहुंचना था वो तो पहुंच ही गए भाई। तो मैं आपको डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि कठोर शब्दों का प्रयोग हुआ तो हृदय कठोर हो जाएगा, भजन के योग्य नहीं रहेगा। आपको भजन में वैसा आनंद नहीं आएगा, आपको भजन में वैसा रस नहीं आएगा। ये गोपियों ने एक संकेत किया है कि कठोर हृदय पर आप अपना चरण कमल नहीं पधराते। यहां गोपियां एक ये अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यंजना से गोपियां यही संकेत दे रही हैं कि कठोर हृदय पर श्री ठाकुर जी अपना चरण कमल नहीं पधराते, कठोर हृदय प्रभु के चरण कमल को पधराने योग्य नहीं है। धरहु उरज पद कमल डरहु जिन कठिन मान के, सनय सनय हम धरहि चरण तब मृदुल जान के। कितनी सुंदर बात गोपी कह रही है, सनय सनय माने धीरे धीरे, माने धीरे धीरे हम आपके भजन से अपने हृदय को कोमल कर लेंगी, धीरे धीरे हम आपके भजन से आपकी लीला कथा का गान करके, आपका दर्शन करके धीरे धीरे हम अपने हृदय को सुकोमल बनाएंगी। आप डरिए मत, हमारा हृदय कठोर है हम जानती हैं, पर हम इसे सुकोमल कर लेंगी। आपका दर्शन करते करते, आपका नाम लेते लेते, आपका ध्यान करते करते, फिर धीरे धीरे चरण कमल पधराइए। गणत कठिन तृण कूर्ण अटत कत अटवी न्यारे, भ्रमत हमारी बुद्धि तुम उद्रिग प्राण हमारे। इस समय आधी रात के समय वन में जाने कहां भटक रहे होंगे आप, आपके चरणों में कहीं कुछ कांटा न लग जाए, तिनका न चुभ जाए, आपको कहीं कुछ कष्ट ना हो जाए, ये विचार करते करते हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, थकित हो रही है। प्यारे हम अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, हम जानती हैं आप भी हमारे वियोग से दुखी हैं। कितने प्रेम से आपने हमें नाम ले लेकर पुकारा, हम जानती हैं आपके जैसा प्रेमी संसार में और दूसरा कौन है। प्रीत की रीत आपके प्रकार से निभाना और कौन जानता है। हम जानती हैं हमारे वियोग से आपको भी कष्ट है और हमसे कहीं अधिक कष्ट है। हमसे भूल हुई, हमसे अपराध हुआ और आपको आपको इस प्रकार छिप जाना पड़ा। आपके श्रीअंग में कोई कांटा ना लग जाए, आपको कोई कष्ट ना हो जाए, ये विचार कर करके हम उस विरह, उस वेदना से, उस पीड़ा से, उस अनिष्ट जन्य आशंका से व्याकुल हुई जा रही हैं। नेह भरी रस भरी लाल सोलल ना बोले, दर्शन की अति तरफ प्रेम के सिंधु करो। गोपियां कहती चली जा रही है। प्रेम भरी और रस भरी लाल सो ललना बोले। और भाई सत्य तो यही है कि गोपियों की ये प्रेम भरी रस भरी बातें सुनने के लिए तो ठाकुर जी छिप गए। प्रेम भरी रस भरी बात सुनने के लिए ठाकुर जी छिप गए। अब देखो मिलन तो प्रथम अध्याय में ही हो गया था, ठाकुर जी ने बुलाया, गोपियां आ गई। अगर इस लीला का विस्तार इस विधि ठाकुर जी ने न किया होता तो हम किस प्रकार बैठे आज यहां चिंतन कर रहे होते। हमारे सुख के लिए, अस्मदादि जीवों के सुखार्थ प्रभु ने इस विधि लीला का विस्तार किया।
इसलिए प्रथम ही दिन मैंने आपसे कहा था गोपियों से भूल नहीं हो सकती भाई, ये तो प्रभु ने हमारे सुख के लिए, इस रस विस्तार के लिए, इस प्रयोजन से ये लीला की। आहा, और कह रही दर्शन की अति तरफ प्रेम के सिंधु कलोल, कहाँ करूं कछु बस नहीं मेरो पाख नहीं उड़ जावन की, ये दो नैना कयो नहीं माने नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरियावन की, आवन की मन भावन की, कहियो रे हरि आवन की। प्राण पिंजरे में कैद मन और सांवरिया के पास, और सांसों की ये नाव पुरानी इसका क्या विश्वास। जब खिले चांदनी रात नैन बरसात, मोहन को पाती भिजवा दो, शाम को पाती भिजवा दो, मोहन को पाती भिजवा। ऐसे प्रेम भरे रस भरे बैन गोपियों के सुन सुन कर सुख सागर प्रभु सुखी हो रहे हैं। दामोदर हित कहे त्रियन बहुवचन सुहाए, श्री हरि वंशी सुनत श्याम मन माहि लजाए। जब ये सब सुना ना श्री ठाकुर जी ने, तुमको लगा भाई अब बहुत हो गया। कभी कभी माँ ऐसे कृत्रिम क्रोध करती है ना बालक पर, फिर जब देखती है ना बालक सच में भयभीत हो गया, तब तब माँ से रहा नहीं जाता, माँ को लगता है भाई बहुत हो गया अब। फिर वही क्रोध करती मां एक क्षण में बालक को उठाकर और अपनी छाती से चिपटा लेती है, 100 बार मुख चूम लेती है उसका। मैं ऐसे श्री ठाकुर जी को लगा भाई बहुत हो गया। दामोदर हित कहे त्रियन बहुवचन सुहाए, श्री हरिवंशी सुनत श्याम मन माही बजाए। और श्री सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल सा। आप देखो थोड़ा सा इस पद का, इस शब्द का विचार करो। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे रुरुदुहु, रो रही हैं, कह रही सुस्वरम, बड़े स्वर में रो रही हैं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, तात्पर्य क्या है कि प्रभु के लिए रोना भी सुंदर है, सुखद है, सरस है, मधुर है, कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपांगनाओं के रूप में वो कृष्ण दर्शन लालसा मूर्तिवंत प्रकट है, प्रत्यक्ष है। तो आज की चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।